फिल्म फुटपाथ से करियर शुरू करने वाले इमरान हाशमी को इस साल बॉलीवुड में पूरे 20 साल हो जाएंगे। दो दशक बाद अब इमरान हाशमी ने एक लंबी छलांग लगाने की कोशिश की है। अब वो साउथ इंडियन इंडस्ट्री में भी अपनी पारी खेलना चाहते हैं। निर्देशक सुजीत की गैंगस्टर ड्रामा ओजी फिल्म में इमरान हाशमी मुख्य विलन के रूप में नजर आने वाले हैं। इमरान हाशमी ने इस साल टाइगर 3 में भी सलमान खान और कैटरीना कैफ के विरुद्ध विलन के रूप में मैदान में उतरे थे। इस साल की शुरुआत में उनकी बॉलीवुड फिल्म काफी सुपर फ्लॉप रही। उस फिल्म में इमरान हाशमी और अक्षय कुमार साथ में काम कर रहे थे। इस साल बहुप्रतीक्षित फिल्मों में गिनी जा रही ओजी में पवन कल्याण और प्रियंका मोहन लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म का तीसरा शेड्यूल फिलहाल हैदराबाद में चल रहा है। इस बीच एक बड़ी अपडेट के रूप में ये खबर सामने आई है कि फिल्म के कलाकारों में एक्टर इमरान हाशमी भी शामिल हो गए हैं। इस तेलुगु ड्रामा में इमरान खलनायक की भूमिका निभाएंगे। इमरान के फैंस के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत पर इमरान ने कहा कि मैं ओजी के साथ एक नए सफर की शुरुआत करना चाहता हूं और मैं इस बात के लिए काफी एक्साइटेड हूं। फिल्म की स्क्रिप्ट मजबूत और मनोरंजक है। मेरा रोल इसमें काफी चैलेंजिंग है। ऐसे रोल का मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था। इमरान ने कहा कि वो साउथ इंडियन एक्टर्स के साथ काम करने के लिए बेहद एक्साइटेड है। उन्होंने ये भी कहा कि यह उनका यादगार सिनेमाई अनुभव साबित हो सकता है। फिल्म में अर्जुन दास, श्रेया रेड्डी और प्रकाश राज भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। उल्लेखनीय है कि शंघाई, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और डर्टी पिक्चर जैसी फिल्मों में इमरान ने अपने सीरियल किसर की पहचान से अलग हटकर काम किया है, लेकिन इधर लंबे समय से उन्हें बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं मिली है। उनकी फिल्म चेहरे, मुंबई सागा, द बॉडी, वाई चीट इंडिया, रास, बादशाहो, ये सारी बॉलीवुड में काफी फ्लॉप रही। तो शायद यही वजह है कि इमरान हाशमी अब अपनी किस्मत साउथ इंडियन इंडस्ट्री में चमकाना चाहते हैं। शायद उन्हें लग रहा है कि बॉलीवुड में अब उनका पत्ता कट चुका है, लेकिन क्या पता कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री में उनकी किस्मत चमक जाए।